भाई थोड़ी सी घुमाते हैं अपने अंटार्क, देखते हैं घूमती है कि नहीं। भाई हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो। आज है 2 जुलाई 2023 और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर से। बाकी जो अपने रूम का हाल है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है और ख्याल उसको भी इग्नोर करना, पहले इसको साफ करते हैं फिर देखते हैं आगे क्या क्या सीन रहने वाला है। So guys, अपना रूम था जो एकदम साफ हो चुका है, हम निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। और भाई तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ क्या चीज़ है। सो गाइस चल रहे हैं अब यहाँ से नीचे, आहिस्ता आहिस्ता देखते क्या सीन रहने वाला है। आगे की राइड का तो अभी फिलहाल कुछ पता है नहीं है, बाकी तुम लोगों के लिए मैंने एक सरप्राइज रखा है, अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ वो क्या सरप्राइज होने वाला है। बाकी देखो आप एंटार्क चेक करो, कुछ इस तरह की जगह पर लग रखी है हमारी टार्क और पीछे से भाई गंदी हो रखी है। जहाँ तक मुझे लगता है 1-1.5 महीना हो गया ऐसे मैंने स्टार्ट नहीं किया। और आज भाई आप लोगों का सरप्राइज था कि मैंने एक न्यू हेलमेट परचेज़ किया है वेगा का। जो पुराना हेलमेट था वो मुझे पसंद ही नहीं था बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा गंदा लगता था, ना इतनी सेफ्टी थी। बाकी इसकी पैडिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है और माउंट वगैरह भी मैंने अलग से परचेज़ कर लिया था। पुराने वाला हेलमेट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था इसलिए मैंने ये चेंज किया। बाकी करते हैं अपनी एंटार्क को कोल्ड स्टार्ट और फिर अब फिर देखते हैं क्या सीन रहने वाला है, होती भी है यानी बहुत दिनों बाद में आज करने वाला हूँ इसको स्टार्ट। सो गाइस ये रही अपनी एंटार्क और ये रहा भाई अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। भाई बाकी 1-1.5 महीने से मैंने अपनी एंटार्क स्टार्ट नहीं की, देखते हैं अब कितनी देर के बाद स्टार्ट करो तो होती है, कितनी देर बाद नहीं होती, करते हैं इसको स्टार्ट। 1 2 3 भाई स्टार्ट हो रही है, बट थोड़ी थोड़ी मिसिंग कर रही है जहाँ तक लग रहा है। बहुत दिनों बाद फाइनली अपनी एंटार्क का स्टार्ट हो गया भाई, कुछ लग रही है कुछ इस तरीके की। बाकी गंदी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, इसको वॉश भी कराएंगे थोड़े दिनों तक, देखते हैं इसको वॉश भी करते हैं। बाकी इसकी जो बैक लाइट है भाई पूरी मिट्टी से जम रखी है। भाई थोड़ी सी घुमाते हैं अपनी एंटार्क, देखते घूमती है कि नहीं। भाई एक नंबर, पहले जितनी जान तो है, चलानी छोड़ दी मैंने भाई, नीचे क्या हालत हो रखी है, घर वाले गंदा मारेंगे। सो भाई अपनी बैग लाइट जी दो, मैंने थोड़ी बहुत साफ़ कर दी है, बाकी अभी कोई कपड़ा है नहीं है पास में और सीट भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, देख सकते हो आप कितनी धूल थी। भाई अब लेके चलते इसको अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पहनते और निकलते हैं यहाँ से अपनी राइड की तरफ, देखते हैं अब क्या रहने वाला है, कहाँ जाते हैं, मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर ही। तो गाइस अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे पहुंच चुके हैं हम। बाकी मुझे पता नहीं है कि वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं क्लियर आ रही, क्योंकि मैंने नया सेटअप लिया। बाकी अपने ग्लोव्स लगाते हैं जो मैंने कुछ टाइम पहले परचेज़ किए थे प्रो बाइकर के, इनको लगाते हैं और भाई चलते हैं यहाँ से। भाई आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, इसकी वजह से मुझे बाहर निकलने का मन ही नहीं था कर रहा। बहुत दिनों बाद कुछ इशू चल रहे थे अपनी एंटार्क थी थोड़ी, ये भी थोड़ी ख़राब रखी थी जिसकी वजह से मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, ब्लॉगिंग ही नहीं था कर रहा। कुछ इशू भी चल रहा था जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग छोड़ रखे थे। अब शायद से मैं हफ्ते में 2 या 3 ब्लॉग्स डालूंगा ही डालूंगा, हो सकता है कि 4 भी डालूँ। बाकी अभी भाई इस वक्त कोई भी बंदा नहीं आ रखा है इस जगह पर और भाई रिएक्शन भी अच्छे खासे मिल रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर फोटो ब्लॉगिंग बहुत कम लोग ही करते हैं ना। मैंने बीच में थोड़ी ब्लॉगिंग क्विट कर रखी थी क्योंकि थोड़े इशू चल रहे थे घर में भी और भाई मेरे पास गैजेट्स वगैरह भी नहीं थे, जो मेरा पुराना सेटअप था वो भी टूट गया था बिल्कुल और अपनी एंटार का भी बुरा हाल हो रखा था, स्टार्ट नहीं थी हो रही, इसको मैंने ठीक करा के फिर अंदर ही खड़ा कर दिया था क्योंकि मन ही नहीं था और बाहर निकलने का और मैं यहाँ पर था भी नहीं। बाकी अब मैं वापस आया हूँ तो शायद से अब मैं ब्लॉगिंग वापस से स्टार्ट कर दूँगा। और भाई गर्म हवा, क्या लू चल रही है, लू एकदम।
भाई आज ये पूरा खाली खाली क्यों लग रहा है, कोई बंदा कोई गाड़ी भी नहीं है यहाँ पे, पता नहीं क्या सीन हो रखा है। बहुत कम गाड़ियाँ और लोग भी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब गाइस जो भाई क्रेजी रिएक्शन मिल रहे हैं, बाकी आई होप आपको मेरी जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, क्योंकि मैंने माइक वगैरह सब सेटअप पूरा चेंज कर रखा है, तो अभी मुझे पता नहीं है कि वॉइस कैसी आ रही होगी, तो कमेंट करके बता देना कि वॉइस कैसी आ रही है। बाकी यार आज ये इतनी भाग भी नहीं रही है, इतनी में मैं खींचता था 60-70 तो एटलीस्ट चली जाती थी, अभी तो वो भी नहीं जा रही है, और इसका हैंडल थोड़ा बहुत जो वाइब्रेट कर रहा है। चलते देखते हैं इसकी अभी मॉडिफिकेशन भी थोड़ी बहुत स्टार्ट करते हैं, और इसकी जो रेयर ब्रेक है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो रखी है, उसको भी ब्रेक शू भी डलवाने पड़ेंगे सब कुछ। बाकी चलते नहीं, कुछ खास है तो नहीं है यहाँ पर, देखने को मिल ही नहीं रहा, बंदे भी बहुत कम हो रखे रोड पे, और भाई गाड़ियाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कभी गाड़ियाँ थी ही नहीं। भाई जो अपना हेलमेट है ना फुल ग्लॉस है, और दूर से भाई क्या लगता है, ये जितने भी लोग मुझे देखते हैं ना सबसे पहले यही पूछते हैं भाई हेलमेट कहाँ से लाया तूने, बहुत सेक्सी हेलमेट है भाई, किसी को लेना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, और जो इसकी पैडिंग है बीच से वो भी रिमूवेबल है, अगर गंदी होगी है तो धो सकते हो, थोड़ी सी लूज होगी है तो टाइट वाली डाल सकते हो भाई, इसके ये बेनिफिट्स है, इसीलिए मैंने ये वाला हेलमेट चूज़ किया। बाकी अगर आपका बजट अच्छा खासा है 4-5 हज़ार तक, तो आप एक्सोर की तरफ जा सकते हो, लेकिन मेरा 2500-3000 था तो मैंने वेगा का चूज़ किया। बाकी जब बंदा नया नया स्विच होता है राइडिंग पे तो उसको पता नहीं होता है इतनी चीज़ों का, अब भाई मुझे पता चल गया कि पिछली बार मैं हेलमेट लेने गया, बंदा बोलने लगा भाई मस्त हेलमेट है, ले जा बहुत अच्छा है, थोड़ी देर बाद पता चला वो तो बिल्कुल ही बेकार है। फिर मैं भाई इस पर स्विच हो गया, मैं थोड़ी देर बाद पैसे इकट्ठे करके भाई ये वाला हेलमेट ख़रीदा है मैंने, अब देखते हैं कितनी देर चलेगा, या आई होप अच्छा चलेगा, 2-3 साल तो एटलीस्ट आराम से निकाल देगा, अगर ख़राब भी होगी पैडिंग वगैरह तो मैं इसकी पैडिंग चेंज कर दूंगा। और जो इसका बायर वाला शेल है भाई एक नंबर भाई, 10 out of 8 तो मैं इस हेलमेट को दूंगा इसके प्राइस रेंज की तरह की वजह से, ये एक नंबर है भाई। और यहाँ राजौरी में गर्मी बहुत ज़्यादा रुकी है, या फिर मैं गाँव में था वहाँ से यहाँ पर आया हूँ तो तभी मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही है, पता नहीं। बाकी इस जगह तो हमेशा थोड़ा ठंडा माहौल ही रहता है, बट अभी यहाँ पे भी गर्मी ख़तरनाक वाली पड़ रही है भाई। और अपने जो साथ वाले भाई लोग थे, जितने भी लोग व्लॉग्स वगैरह बनाते थे, अभी उनसे कांटेक्ट हो नहीं रहा भाई, जब होगा तो इकट्ठे हम कंटेंट बनाएंगे। और ये हेलमेट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, वो हेलमेट थोड़ा लूज था, हिलता रहता था, ये लूज़ है थोड़ा बहुत, बट जिस हिसाब से बंदा लगाएगा थोड़ी देर लगाएगा बस उसके सर के हिसाब से मेंटेन हो जाएगा ये वाला हेलमेट, बट उन हेलमेट का ये नहीं रहता है। रोड का भी बुरा ही हाल हो गया है भाई यहाँ से, ये सिटी की रोड है, यहाँ पे रोड में खड्डा नहीं खड्डे में रोड है भाई, कोई क्या ही चलाएगा यहाँ पे। भाई लोग हाइपर हो जाते हैं कैमरे को देख के, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों आज पहली बार मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे लॉकडाउन होता है, बहुत कम गाड़ियाँ बहुत कम लोग। और अच्छा है कि दूसरा ब्रिज भी बना दिया, नहीं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा जैम लग जाता था, इस पहले एक तरफ की गाड़ियाँ आती थी फिर दूसरी साइड की आती थी। भाई R15 पे 3-3 बैठ रहे हैं क्या बंदे, जब के लिए वो 2 के लिए, और ट्रिपलिंग कर रहे हैं उस बाइक पे।
भाई क्या चल रहा है, बंदा ट्रिपलिंग कर रहा है वो अलग, और रैश चल रहा है वो अलग। सो गाइस आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बाकी कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नए मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब चाहे जिंदगी